मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। इन दिनों राजस्थान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार दौरे की खूब चर्चा है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में इस बात पर खुलकर आपत्ति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति एक दिन में 4-5 दौरे कर रहे हैं, वे पूरे प्रोटोकॉल के साथ राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। राजस्थान में चुनाव है, कोई तुक नहीं बनता। जरा वीडियो देखिए क्या कुछ बोले गहलोत। प्रधानमंत्री खुद को मैं करने जाऊंगा, कृपा करके काम करो, आओ। आप 9-8 आ चुके हैं साल के अंदर, कल आए प्रधानमंत्री, नवी बहन आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, आज 5 जगह, एक ही दिन के अंदर 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर, बता दीजिए आप। तो क्या गवर्नर साहब हो चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री ने इस पर कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आए, ना मंत्री आए, ना गवर्नर आए, ना अधिकारी आए। मैं चाहूंगा शेखाव साहब बने थे उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा भाई राजस्थान मेरा खुद का घर है, यहाँ प्रोटोकॉल में कोई नहीं आया, बार बार जो मैं बार बार आऊंगा, कई बार आऊंगा, चुनाव आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है, क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे क्या लोग समझेंगे आपके बारे में, आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान जो है, कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे बैरून शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास बुला करके, उनकी पार्टी लोगों ने नहीं किया, उनकी पार्टी ने स्वागत किया ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, वो पुराने रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी होटल के अंदर, वो सम्मान था उनका, मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, मैंने बुलाया शानदार निवास के ऊपर, बैरून शेखावत साहब बाउंड मंत्री एमएलए बनते आ रहे थे, उस जमाने के ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड आई बी जजेस थे, IPS थे, IAS थे, जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया, तो 2-2.5 घंटे बैठे वहां देखा उन्होंने, इस सबसे मैं मिल पाया एक साथ में। तो मैं कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर, पर आज उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे, 5-7 साल आगे होंगे। सूबे के मुख्यमंत्री गहलोत की टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता सतीश पुनिया कहते हैं कि सीएम सवाल उठाते हैं लेकिन उनके सवालों में दम नहीं होता और कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता ने क्या टिप्पणी की, वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री जी सवाल उठाते रहते हैं लेकिन उनके सवालों में दम नहीं होता, न उनको कोई गंभीरता से लेता है, इसलिए संवैधानिक संस्था के व्यक्तियों के प्रति इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन लोकतंत्र के जो गरिमा देने वाले पद हैं, उस पद को जो सुशोभित करते हैं, उनके बारे में उनकी टिप्पणी, बल्कि उनको तो सम्मान करना चाहिए था कि राजस्थान के व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च दूसरे पद पर रहने का मौका मिला है, तो आएंगे जाएंगे, बहुत लोग पहले आते जाते रहे। जेपी नड्डा जी भी आए हैं और अभी अमित शाह भी आए हैं, क्या कहें, कैसे बैठेंगे? अब ब्याह है तो ब्याह में तो ब्याह के गीत गाए जाएंगे, चुनाव है, रणनीति पे चर्चा होगी, मोटिवेशन मिलेगा, कार्यक्रमों की रचना होगी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपराष्ट्रपति धनखड के दौरे पर राजस्थान आने पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। वे बोले कि इस साल 9 बार PM आ चुके हैं राजस्थान, हम उनका स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, चाहे वे राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति, वे बार बार यहाँ आ रहे हैं, वे दौरे कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में चुनाव है, आप इतनी बार आ रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? सरकार कोई भी हो, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं ऐसे मामलों में राजनीतिक भेदभाव नहीं करता लेकिन अब उपराष्ट्रपति बार बार आ रहे हैं, उन्होंने इस महीने 5 बार राजस्थान का दौरा किया।
सीधे तौर पर गहलोत के शब्दों में आपत्ति बयां हो रही है, नाराजगी झलक रही है कि आप सिर्फ चुनाव को देखकर बार बार इस प्रदेश क्यों आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी पूरा मोर्चा दमखम से संभाले हुए है, वो केंद्रीय नेतृत्व हो, खुद उपराष्ट्रपति हो, पीएम मोदी हो, सब चुनावी प्रचार में जुड़ गए हैं और साथ ही जनता को आकर्षित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि इन प्रयासों का क्या निकलता है नतीजा। कुछ दिनों बाद जब चुनाव होंगे तो जनता तय कर ही देगी कि किसके नेतृत्व को उन्होंने पसंद किया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।